तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो गए यार। तो दोस्तों आजकल 3.5 mm का ऑडियो जैक पूरी तरह से गायब हो रहा है यार। फ्लैक्सी फ़ोन से तो गायब हो चुका है और मिड रेंज के फ़ोन से भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दोस्तों OnePlus Nord है, जिसमें हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। और यार अगर हम गेमिंग करते हैं, FPS गेम वगैरह खेलते हैं, तो उसमें साउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गन चलता है दोस्तों, उसका गोली जो निकलता है उसका आवाज़ बहुत मैटर करता है। सही टाइम पे आता है तो दोस्तों अच्छा लगता है, थोड़ा सा गेमिंग का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। ऐसे में हमें वायर्ड ईयरफोन का ही ज़रूरत पड़ता है। और दोस्तों मार्केट में टाइप सी ईयरफोन खोजना काफ़ी मुश्किल बात हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे एक दोस्त को टाइप सी ईयरफोन लेना था, तो यार काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे एक टाइप सी ईयरफोन मिला, जो कि दोस्तों वी कूल कंपनी की तरफ से आता है। ये रहा दोस्तों उसका बॉक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी वी कूल कंपनी की तरफ से आने वाले ईयरफोन का अनबॉक्सिंग करूंगा और देखेंगे दोस्तों कि बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी वगैरह कैसा है, और इसका प्राइसिंग भी मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। चलो यार अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यही है बॉक्स। मैं पहले इसका दोस्तों रैपर जो है ना, ऊपर से इसको पन्नी बोलते हैं प्यार से, निकाल लेता हूँ। तो यार काफ़ी आराम से निकल जाएगा, ये निकल चुका है। तो यार ब्लैक कलर का बॉक्स है और ऊपर में हमें वी कूल और नीचे में दोस्तों हाई फाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिखा हुआ मिल जाता है। बॉक्स के दोनों तरफ वी कूल की ब्रांडिंग और नीचे में इनका स्लोगन लिखा हुआ है यार, वी कूल मेक्स यू कूल। वाओ क्या बात है। और पीछे में कुछ और लिखा हुआ मिल जाता है, व्हाट्सएप नंबर, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल वगैरह लिखा हुआ मिल जाता है। कुछ खास लिखा हुआ नहीं यार, काफ़ी छोटा सा बॉक्स है। तो चलो बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो यार बॉक्स बड़े आराम से बहुत घटिया पैकेजिंग में आ रहा है यार, ऊपर से तो लग रहा है देखकर। ये रहा दोस्तों बॉक्स, और बॉक्स के अंदर से ये कैरी पाउच निकला है यार, जिसपे वी कूल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और कुछ अंदर में ये क्या है भाई, गेट 50 rupees कैशबैक राइट। ओहो, तो दोस्तों ये है इन, मतलब कि इसके ईयरफोन में दोस्तों 5-star रेटिंग्स थी लगभग। तो ये है राज इनका 5-star रेटिंग पाने की। मैं स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप पर दोस्तों भेजूंगा और 5-star दे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट मुझे लेना है अमेजोन पे, मुझे 50 rupees कैशबैक मिलेगा। ये एक तरीके से दोस्तों ऑथेंटिक रियल रिव्यू भी हो गया और पेड रिव्यू भी हो गया। क्या बात है यार, नहीं पता 50 rupees मिलता होगा या नहीं दोस्तों, मैंने तो कभी लिया नहीं है, लेकिन जो भी हो दोस्तों तरीका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इसे रख लेते हैं साइड में और देखते हैं इस पाउच के अंदर क्या मिलता है। पाउच का क्वालिटी काफ़ी सही लगा यार। इसका प्राइस दोस्तों लगभग 700 rupees में मुझे मिला है, मतलब मेरे दोस्त का है यार, मतलब 700 rupees में ही मिला है। चलो मैं इसे पहले रैपर से निकालता हूँ। तो यार ये रैपर से निकल चुका है और क्या मिलता है हमें दोस्तों, ये ईयर टिप्स मिल जाता है, देख सकते हो 4 ईयर टिप्स दिया गया है। इसे भी मैं साइड में रख लेता हूँ। और ये टाइप सी ईयरफोन है जैसा कि आप देख सकते हो। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ इससे साइड में। और दोस्तों पहले मैं पहला एक्सपीरियंस बताऊं इसका, तो यार वायर काफ़ी अच्छा है, एकदम वायर का क्वालिटी मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है यार। और मतलब फर्स्ट फील में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत है दोस्तों, थर्ड क्लास वायर के साथ नहीं बनाया गया है। दोस्तों इसका मैं पहले ईयर टिप्स देख लेता हूँ ऊपर में। तो यार ये मैग्नेटिक है, ये मेरे को नहीं पता था ये मैग्नेटिक होगा। तो यार ये भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सही से मैग्नेट काम कर रहा है। मैं रियलमी का ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ यार, उसमें भी मैग्नेट आता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये मुझे। और दोस्तों क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों देख लेते इसका रिमोट, ये रहा दोस्तों। इसमें सिर्फ मेन फंक्शन बटन हमें देखने को मिलता है, कोई भी वॉल्यूम बटन देखने को नहीं मिलता है। वी कूल की ब्रांडिंग लेकिन अच्छे से दी गई है, बटन सही है यार, क्लिकेबल है बिल्कुल। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए ना तो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, और आवाज़ कैसा है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इसका पहले थोड़ा सा आवाज़ चेक कर लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने ईयरफोन तो देख लिया यार, ईयरफोन का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है यार। उसका तार दोस्तों जो वायर है वो भी काफ़ी सही है यार, मतलब लगभग 700 rupees का है, और 700 rupees में बिल्ड क्वालिटी जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ
वैसा बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों इस ईयरफोन का। और खास करके दोस्तों इसका मैग्नेटिक कनेक्ट भी काफ़ी अच्छा था और डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा उस ईयरफोन का। लेकिन यार फिर मुझे उसका साउंड क्वालिटी चेक करना था, तो मेरे पास रेडमी K20 प्रो है यार, प्राइमरी डिवाइस वही है मेरा। जब मैंने उसे टाइप सी से कनेक्ट किया तो मेरे को एक नोटिफिकेशन आया, ऑडियो कैन नॉट प्ले विथ एन अडेप्टर। मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ यार, देख लेना, अडेप्टर के साथ ऑडियो प्ले नहीं होगा। मैंने कहा यार अडेप्टर तो कनेक्ट नहीं है मेरे ईयरफोन में, यानी कि मेरे फ़ोन में वो सपोर्ट नहीं कर रहा था ईयरफोन। फिर मैंने उसे सैमसंग नोट 10 प्लस में कनेक्ट करके देखा यार, तो उसमें तो सीधा नोटिफिकेशन छोटा सा आ जाता है कि ये डिवाइस इस फ़ोन के साथ सपोर्टेड नहीं है। और सेम दोस्तों S10 में भी लिखा यार, मतलब इतना, मतलब 800 रुपया, लगभग 700 रुपया का ईयरफोन इतने सारे फ़ोन के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। लेकिन जिस मेरे फ्रेंड ने इस ईयरफोन को ऑर्डर किया था उसके पास OnePlus 7T है, तो शायद दोस्तों लिखा हुआ था वेबसाइट पे कि ये OnePlus के फ़ोन के साथ कॉम्पैटिबल है सिर्फ, तो यार सही में उसके फ़ोन के साथ कॉम्पैटिबल था, ऑडियो प्ले हो गया और साउंड क्वालिटी बिल्कुल सही था यार। 700 रुपये के हिसाब से साउंड क्वालिटी जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल मुझे मिला, बेस वगैरह सब कुछ अच्छा था दोस्तों। बस मेरी एक ही शिकायत है यार, 700 रुपये जब लगाऊंगा तो सिर्फ OnePlus के फ़ोन में ही क्यों चलेगा वो ईयरफोन, सभी फ़ोन के साथ कॉम्पेटेबल होना चाहिए था जिस फ़ोन में टाइप सी से म्यूज़िक बज सकता है। लेकिन यार यहाँ पे सिर्फ OnePlus के फ़ोन के साथ ही वो कॉम्पेटेबल था, पबजी वगैरह भी बिल्कुल सही चल रहा है उसमें दोस्तों उस ईयरफोन के साथ। तो अगर आप एक टाइप सी ईयरफोन लेना चाहते हो और अगर आपके पास सिर्फ OnePlus का डिवाइस है और आप फ्यूचर में भी OnePlus का ही डिवाइस लोगे, अगर ईयरफोन ज़्यादा दिन तक चलाना चाहते हो तब दोस्तों, वैसे ज़्यादा दिन तक तो चलता नहीं है, तार वाला ईयरफोन ख़राब हो ही जाता है। तो अगर आप OnePlus के फ़ोन के साथ हो दोस्तों, OnePlus का फ़ोन ही है आपके पास, तब आप ये ईयरफोन परचेस करना। उसके अलावा कोई और फ़ोन है किसी और कंपनी का तो दोस्तों मेरी राय परचेस मत करना इस ईयरफोन को। और 50 रुपीज़ वाला तो दोस्तों आपको याद ही होगा, 5 स्टार तो मिलना ही है। और मेरा फ्रेंड जो खरीदा है यार वो भी 5 स्टार ही देगा इस ईयरफोन को, जबकि 5 स्टार के लायक नहीं है, उसके फ़ोन के साथ कॉम्पेटिबल है तो 4 स्टार, और दोस्तों बाकी फ़ोन के साथ कॉम्पेटिबल है ही नहीं तो मेरे हिसाब से तो 2 स्टार या फिर 1 स्टार ही उसको मिल सकता है, उससे ज़्यादा वो उस लायक है ही नहीं। तो आपकी क्या राय है दोस्तों इस ईयरफोन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताओ। क्या आपके पास ये ईयरफोन है? कोई दोस्तों कोई भी व्यूअर अगर वीडियो देख रहा है, क्या आपने ऑर्डर किया था तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ यार आपको ईयरफोन कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव इस चैनल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे हो, जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का दबाओ, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा बधानी टेक्निक का वीडियो अपलोड किया था। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित बधानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।